बनी बनाई हर कोई कह ले, बना के कहना मुश्किल है। बात बना के हर कोई खाए, कमा के खाना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जो है राज दरबार लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के आदेश पर 10 सांसद जो लोकसभा के हैं और 4 राज्यसभा सांसद हर जिले में जनता दरबार लगाएंगे। इन्हें राज दरबार आप नहीं कह सकते, इसे जनता दरबार कह सकते हैं। आम जनता को यह हक है, बहुजन समाज पार्टी के जो भी सांसद हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके सामने अपने घर अपने गांव के सूरत हाल बता सकें और समस्याओं के बारे में बताएं और समस्या निवारण का उपाय पूछें। ऐसा बहन मायावती जी ने आदेश दिया है। 14 सांसद होते हैं, 75 जिले हैं, 5-6 दिन में कवर हो सकता है पूरा उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, डिंपल यादव के गढ़ में आज सतीश मिश्रा जी गरजेंगे, यानी कन्नौज में उनकी आज ब्राह्मण महासभा हो रही है, उन्नाव में भी ब्राह्मण महासभा है। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी जो कि महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको केवल ब्राह्मण समाज के लिए नियुक्त कर दिया गया है कि वो जितना जोड़ सके उत्तर प्रदेश से वो करते रहें, बाकी सांसद आम जनता के बीच जाएंगे। जैसे कि अंबेडकर नगर से जो हैं रितेश पांडे जी रोज जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति शुरू हुई है, वह राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद शुरू हुई है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं में सबसे पहले बहन मायावती जी श्रद्धांजलि देने गई, वहां पर 2 वक्त मौन धारण किया 2 मिनट का। और जो होता है एक नेताओं के लिए, एक समकक्ष नेताओं के लिए, बहुजन समाज पार्टी ने बखूबी निभाई। बहुजन समाज पार्टी ने यह संदेश दिया कि हम इंसान हैं और इंसानों के कष्ट से हमें भी कष्ट है, किसी के जाने पे हम भी दुख जता सकते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी के मोहसिन रजा केशव प्रसाद मौर्य जी ने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव जी ने तो श्रद्धांजलि नहीं दी, आए नहीं, ट्वीट भी नहीं किया। ऐसे अखिलेश यादव जी ट्वीट तो किए परंतु श्रद्धांजलि देने नहीं गए। और ये सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनता के बीच जा रही है कि ये इंसान भी नहीं है, ये राम भक्त हो अथवा राष्ट्रभक्त हो, जो भी हो, उनके मौत के ऊपर भी ये श्रद्धांजलि नहीं देंगे। ये केवल कुर्सी के लिए राजनीति करने आए हैं, ये जात पात करते हैं, समाज को 2 भाग में बांटते हैं। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी वाले बहन मायावती जी के ऊपर नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बहन जी जनता के बीच भी अब पहुंच रही हैं, उनके सांसद भी पहुंच रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जात पात नहीं, सर्व समाज, जो गरीब है वो हमारा है, ये बसपा का नारा है। जो गरीब है वो हमारा है, यह बसपा का नारा है। मैं आपको कल की घटना बता रहा हूं, 11 राजनीतिक दल जिसमें नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और बाकी अन्य 9 दल, सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और जातीय जनगणना के ऊपर अपना अपना पक्ष रखा और पक्ष क्या मांग किया कि आप जातीय जनगणना करें। किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक जगह कैसे मिल कैसे गए, यानी दोनों का मुद्दा एक जैसा कैसे। परंतु जातीय जनगणना के लिए बहन मायावती जी ने जब मांग की केंद्र सरकार से, जब किसी मुद्दे पर भाजपा से मांग करते हैं अथवा भाजपा अगर वह दे देती है तो उसका समर्थन करते हैं, तो जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हम कह सकते हैं, जो लालची लोग हैं, वह बहन मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते हैं यह भाजपा से मिल चुकी है। बहन मायावती जी ने किसानों के पक्ष में भी आवाज लगाई, दलितों के पक्ष में भी आवाज लगाई, और अगर सर्व समाज के, ब्राह्मण समाज के गरीब बेरोजगार युवा के लिए आवाज लगाती है तो वह लालची है, वह राजनीति कर रही है। यह कैसा जातिवाद उभर कर आया है, और देश के तमाम जातियां
केवल सपा कांग्रेस बाकी अन्य दलों के लिए जो है मतलब पक्षधर है कि ये जातिवादी नहीं है बाकी जातिवादी हैं। बहुजन समाज पार्टी आज नंबर वन पर कैसे आई है, क्योंकि ये सबको लेके चल रही है, सबके बारे में सुन रही है और सबके बारे में आवाज लगाती है। अगर सत्ता पक्ष का भी कोई इस तरह की अनहोनी घटना हो जाए तो उस पर भी श्रद्धांजलि देती है, अफसोस जताती है। बहन मायावती जी ने यह साबित कर दिया है पिछले काफी दिनों से, वह राष्ट्रीय स्तर की नेता है और ममता दीदी से कहीं ज्यादा ऊपर हैं। इन्होंने अपनी इमेज काफी बड़ा किया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम हर रोज की खबर और बिल्कुल उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।